Champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. That is hashtag Vision, and I'm your personal auxiliary, Vinay Panekar. I'm so thankful that you're liking my content and the previous video which I've drafted on the channel, Marathi Importance, and I hope that you have seen that video and many of the videos that you have seen. I'm seeing that the graph is going upward, upward and upward, and hence I'm making another video on the same channel right now. I'm gonna help you out here with how to score the next four marks by seeing the unseen passage questions and answer, how to solve it, how to make it easy, and how to grab that 4 marks that is equal to approximately 1% right inside your pocket. Make sure that you look at this video entirely till the end and grab that 4 mark idea. All the very best. Look you there. चैंपियंस, यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास जो अपठित गद्य जो है ये 4 मार्क के लिए आपको आने वाला है. आप सबसे पहले इसका क्या करना है आपको कि आपको ये पूरा पैसेज जो दिया हुआ है आप एक बार रीड करने के पहले ये 2 questions, question number 1 एंड question number 2, जो दोनों भी 2-2 मार्क के है, आपको पहले वो पढ़ना है. ऑल राइट, न्यूटन ला पढ़ ले ले प्रश्न. अभी यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, न्यूटन ला पढ़ ले ले प्रश्न, मतलब न्यूटन को कौन से प्रश्न पढ़े थे, मतलब कौन से प्रश्न गिरे थे. ऑलराइट, ये आपको 2 क्वेश्चन ऐसे है. ऑलराइट, और यहाँ पर चौकटी पूर्ण करा में बोला है विवेकानंदानी यांच्या सहवासात खरे ज्ञान मिळाले, कोणाच्या सहवासात, इसके अंदर आपको आंसर लिखना है. न्यूटन ला याचा शोध लागला, किसका शोध लागला, इसके अंदर आपको आंसर लिखने का है. मेक श्योर करो कि जो 4 मार्क का जो कंटेंट है सीधे सीधे 4 मार्क आपके जेब में जाना ही चाहिए, क्योंकि इसका आंसर डायरेक्टली पैसेज के अंदर दिया हुआ है, ना घुमाया है ना फिराया है. आपको सिर्फ वर्ड्स पे ध्यान देना है एंड बस आपका काम खत्म हुआ. जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है न्यूटन ला पढ़ ले ले प्रश्न, आपको यहाँ पर पढ़ना है ज्यांनी त्यांनी स्वतःला पडलेल्या प्रश्नांचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला ते पुढे मोठे तत्वज्ञ, शास्त्रज्ञ, विचारवंत किंवा साहित्यिक झाले. हे विधान 100% खरे आहे. प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ न्यूटन यांनी सफरचंद झाडावरून खाली का पडले, ते वर कहा नाही गेले. लिख रहे हैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर आपको. तो ये है प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है, सफरचंद झाडावरून खाली का पडले, और दूसरा प्रश्न क्या है, ते वर का नाही गेले. यहाँ पर आपने दोनों प्रश्न लिख दिया, आपके 2 मार्क्स सिक्योर्ड हो गए. ऑलराइट, नेक्स्ट. अभी आप बोलेंगे यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है, ये आपने इधर क्यों नहीं लिखा. तो आपको इतना दिमाग लगाना चाहिए कि कंटेंट किसके ऊपर, कॉन्टेक्स्ट किसके ऊपर बोला गया, न्यूटन के ऊपर बोला गया. क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा गया, तो न्यूटन के ऊपर. अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो दूसरा किसी का क्वेश्चन रहेगा. या प्रश्नाचे त्याने छडा लावला त्यातून गुरुत्वाकर्षणाचे शोध लागला. स्वामी विवेकानंद हे अनेकानी 3 प्रश्न विचारायचे. स्वामी विवेकानंद अभी 3 प्रश्न सबको पूछते थे, देव आहे का, तुम्ही पाहिलाय का, मला दाखवाल का. ये 3 क्वेश्चन है. अगर यहाँ पे न्यूटन के जगह पे स्वामी विवेकानंद आता तो 1, 2, 3 बॉक्स आते यहाँ पर. नेक्स्ट, इधर पे बोला यांची उत्तरे त्यांना मिळाली नाहीत. विवेकानंद यांचे सहवासात खरे ज्ञान मिळाले, किन के साथ रह के विवेकानंद को ज्ञान मिला, वो ये डब्बे में लिखने का आपको. पण विवेकानंदांनी धीर सोडला नाही, ते शोध घेत राहिले. रामकृष्ण परमहंस यांचे सहवासात आल्यानंतर त्यांनी खरे ज्ञान मिळाले. देखो यहाँ पर दिया है विवेकानंद यांच्या सहवासात खरे ज्ञान मिळाले. कोणाचे सहवासात, यांचे सहवासात, कोणाचे, रामकृष्ण परमहंस, तुम्हाला इथे लिहायचं आहे. इज इट क्लियर? यू हॅव टू राईट युअर रामकृष्ण परमहंस. And that makes your work definitely easy and you will be able to score 1 more marks extra over here. Newton la yache shodh lagla. Newton la kashache shodh lagle. Newton la gurutvakarshanacha shodh lagla. Dekha yahan pe shodh lagla likha hai, yahan par likha hai shodh lagla. Aapko directly yahan par answer mil jayega gurutvakarshanacha. इतना इजी है ये 4 मार्क्स को स्कोर करना कि बस आपको आंख खुली रखकर अपना पूरे क्वेश्चन पे फोकस करना है, एक एक वर्ड को देखना है और डायरेक्टली अपना आंसर निकालना है. इट्स दैट सिंपल एंड दैट इजी. ऑलराइट,
आई होप आपको ये पहला वाला पैराग्राफ समझ में आया है, पहला वाला पैसेज समझ में आया है. एंड नाउ विल मूविंग ऑन टू विद द सेकेंड पैसेज. एंड दो पैसेज करके आज हम लोग ये अपठित गद्य को खत्म करेंगे. आई होप आई विल गिव यू वन ऑफ द अपठित गद्य एज होमवर्क डाउन इन द लिंक सो दैट यू कैन चेक इट आउट. दूसरा अपठित गद्य यहाँ पर आपके सामने है. ये अपडेट गद्य में वापस से 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है. यहाँ पर आपको क्या करना है, वापस से पहले की तरह ही आपको पहले चारों भी क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखना है, उसके बाद में क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद में उसको आंसर करना है. पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है, विद्यार्थ्यांची समाजात वेगड़ी ओढ़ख निर्माण करनारी सवई. अभी 1, 2, 3, 4 सवई आपको यहाँ पर मेंशन करने का है. सवई मतलब आदत. विद्यार्थी जीवनात चांगल्या सवयांनी अत्यंत महत्वाचे स्थान आहे. चांगले साहित्य वाचणारा मतलब अच्छी बुक पढ़ने वाला. योग्यतेची देखो यहाँ पर पहले आ जाएगा, चांगले साहित्य वाचणारा. योग्यतेची बाबी लक्षात ठेवणारा, वो बुक के अंदर से जो नॉलेज मिली उसको दिमाग में रखने वाला. योग्य ठिकाणी खर्च करणारा, सही जगह पे उसका इस्तेमाल करना. आवश्यक असेल तेवढाच बोलणारा, जितनी जरूरत है उतना ही बात करना. नेहमीच इतरांच्या मदतीसाठी तत्पर असणारा विद्यार्थी भावी आयुष्यात समाजात आपली वेगळी ओळख निर्माण करतो. अब यहाँ पर एक और एक है, नेहमी इतरांच्या मदतीसाठी तत्पर असणारा मतलब दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना, ये 5वां होता था पर यहाँ पर सिर्फ 4 दिया है आपको, तो आप कोई भी 4 लिख सकते हो. ऑलराइट, इस तरीके से आपने आपका पहला क्वेश्चन को पूरा इजीली सॉल्व कर दिया है. 2 मार्क्स इज ऑल योर्स नाउ, यू कैन एंजॉय इट. देन आफ्टर दैट वी हैव विधाने पूर्ण करा. विधाने पूर्ण करा में देखो क्या बोला गया है, तुम्ही जोपर्यंत मार्गदर्शन मिळवण्यासाठी स्वतःहून पुढाकार घेत नाही तोपर्यंत डैश. यहाँ पर ऐसा दिया है मतलब विधाने पूर्ण करा मतलब आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करने का है. तो ऐसा सेम लाइन आपको किधर दिख रहा है पैसेज में, यस इधर. तुम्ही जोपर्यंत मार्गदर्शन मिळवण्यासाठी स्वतःहून पुढाकार घेणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला कोणाचेही मार्गदर्शन मिळणार नाही. मतलब आप खुद से अगर अपने पैर पे खड़े होके आगे जाकर आप कोई चीज को ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे तो आपके पास कोई भी चीज डायरेक्टली चल के आने वाली नहीं है, ये यहाँ पर बोला गया है. तो मतलब आपको यहां से यहां तक का ये लिखने का है, कैसे नो तो पर्यंत से लेके यहां तक का ये आपका हो जाएगा. 1 मार्क्स वापिस आपके जेब में आ जाएगा. चलो देखते हैं नेक्स्ट चीज क्या है. चांगल्या सवई केवळ घ्याय ध्येय घाटून थांबत नाही तर डैश. चांगल्या सवय मतलब अच्छी जो सवय है वो अपना कहां पर दिया है, यहां पर देखो यहां पर दिया है. चांगली सवय केवल स्वत्व प्रदन चालना देत नहीं त्या केवल ध्येय गाठून थांबत नहीं. अभी यहां से आंसर है, तर त्या संपूर्ण मानवी गुण वृद्धिंगत करण्यास मदद करतात. समझ में आ गया, जिस तरीके से उन्होंने देखो यहाँ पर क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है. चांगल्या सवय केवल स्वत्व प्रदन चालना देत नहीं, तो अपन को क्या लगेगा कि यही से लिखने का है, यहां से पूरा आंसर है. नहीं, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है. देखो गाटून थांबत नाहीत यहां पर दिया है ना, तो यहां से तर त्यास संपूर्ण मानवी गुण वृद्धिंगत करण्यास मदद करतात. ये आपका मेन आंसर है. इज इट क्लियर टू यू राइट नाउ, जिससे आपका 4 मार्क्स डेफिनेटली बन जाता है, 1% आपके पास आ जाता है. एंड अगेन अ बिग हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू यू बिकॉज यू स्कोर योर 1%. नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो टिल दिस एंड. आई एम गोना मेक श्योर दैट आई मेक सच वीडियोस फॉर यू टू हेल्प यू आउट. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्यूरीज प्लीज कॉमेंट डाउन एंड लेट मी नो. ऑल्सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब माई दिस चैनल, माई अनदर चैनल. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस एंड विल मीट सून. बाय.